हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स इंदौर। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट आई एम डीलिंग विद द सब्जेक्ट नोन एज सोशल साइंस एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म ऑफ सिविक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज सेक्युलर? सेक्युलर क्या होता है? तो सेक्युलर इज नथिंग बट विच इज नॉट कंसर्न्ड विथ एनी रिलीजन। धर्म निरपेक्ष, यानी जो किसी रिलीजन से भी कंसर्न्ड नहीं हो। अब ये जो कौन है वो हम लोग बात करेंगे। अब ये एक स्टेट भी हो सकता है। अब स्टेट मतलब मैं आपसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, ये स्टेट क्या है? सो व्हाट इज स्टेट? अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी विच हैव द पावर टू मेक रूल्स, बाय लॉज एटसेट्रा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ स्टेट का मीनिंग क्या है। अब ये एक स्टेट भी हो सकता है जो कि सेक्युलर हो सकता है ना? हमारी कोई सोसाइटी की यदि हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी की यदि हम बात करें, वो भी सेक्युलर हो सकती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो भी सेक्युलर हो सकता है। सो व्हाट इज सेक्युलर? सेक्युलर इज नथिंग बट विच इज़ नॉट कंसर्न विथ रिलीजन। इट मे बी आइदर स्टेट, इट मे बी आइदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इट मे बी एजुकेशन एटसेट्रा। ये कोई भी एक एंटिटी हो सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? तो अब सेक्युलरिज्म क्या है? इट इज़ अ बिलीफ वेयर देयर शैल बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन स्टेट, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ऑन एजुकेशन एटसेट्रा। किसी भी धर्म का ना ही स्टेट पर, ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी पर, ना एजुकेशन पर, किसी भी चीज़ पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म कहते हैं। यानी स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन, इट शैल बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। स्टेट का कोई भी रिलीजियस बिलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टेट में आप लोग प्लीज़ छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह नहीं रखेंगे। स्टेट मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वही आपको डेफिनेशन याद भी रखना होगी। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज शुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ गवर्नमेंट या जो भी अदर एंटिटीज हैं उनको रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ से सेपरेट होना चाहिए, राइट? आशा है आपको ये सेक्युलर और सेक्युलरिज्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर और मैं बात करूँ सेक्युलरिज्म को और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो मैं यहाँ पर बात करूँगा फ्रीडम टू लिव by their religious beliefs and practices as they interpret these। देखिए, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, अपने देश की बात करूँ, हमारे यहाँ जिसका भी जो भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको ये फ्रीडम दी हुई है कि अपने रिलीजियस बिलीफ्स को जिस तरीके से भी चाहे वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। सो वी have the fundamental right guaranteed to us by the Constitution of India to manage our religious affairs, right? Apart from this, it talks about the strategy of separating the power of religion and the power of state. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा religious group हो जो कि majority में हो और उसी के पास power आ जाए, then it can discriminate with the those groups which are in minority। तो हमें क्या बात करना है यहाँ पर? पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट को हमें सेपरेट करना है, तभी हम क्या होगा, सेक्युलरिज्म को फॉलो कर पाएंगे। अदर देन दिस देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, यहाँ हमने क्या बात करी थी? पावर ऑफ रिलीजन की बात करी थी। मान लीजिए हम इंडिया की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म जो है आप कह सकते हैं वो बहुसंख्यक हैं, ये लोग हिंदू बहुसंख्यक हैं। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम्स जो हैं ये मेजॉरिटी में बहुसंख्यक में हैं। तो यहाँ किसका पावर है? वहीं हमारे यहाँ पर हिंदूज का पावर है, वहाँ पर मुस्लिम्स का पावर ज़्यादा है।
तो वहाँ हमने पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट के सेपरेशन की बात करी, यहाँ पर हमने रिलीजन के स्टेट से सेपरेशन की बात करी, राइट। चलिए, ये था सेक्युलरिज्म के बारे में। आई होप आप लोगों को सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अभी जैसे हमने बात करी थी कि रिलीजन को सेपरेट से स्टेट से सेपरेट करना है, क्यों अब ऐसा क्यों करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि अगर किसी देश को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमारी डेमोक्रेसी क्या बात करती है, हम लोग डेमोक्रेसी में क्या बातें करते हैं, सोचिए आप। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ में पार्लियामेंट में बैठते हैं, है ना, स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं और हमारे बिहाफ पर वो डिसीजंस लेते हैं, राइट। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है, राइट। तो किसी भी देश को डेमोक्रेटिकली, अगर यदि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली वो काम करे, तो रिलीजियन को स्टेट से सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखने में आता है कि यदि किसी देश में कोई एक ऐसा रिलीजन है जो कि मेजॉरिटी में है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ रिलीजियंस जो है वो माइनॉरिटी में हो। अब मान लीजिए ये जो रिलीजन है जो मेजॉरिटी में है वो पावर में आ जाता है, तो क्या होगा उससे कि जो माइनॉरिटी में जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके हित कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, अफेक्ट होंगे, है ना, हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या अन्य देशों का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है कि देयर शैल बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। तो हमारा सेकुलरिज्म का जो बिलीफ है वो भी, है ना, नल एंड वॉइड होने लग जाएगा। इसके अलावा अब जिस रिलीजियस ग्रुप जो कि मेजॉरिटी में है उसके पास यदि पावर आ जाती है, तो वहाँ के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका वो मिसयूज़ भी करने लग जाएगा, है ना। और ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, जो कि डेवलप नहीं हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वो उन रिसोर्सेज को आप कह सकते हैं एलोकेट भी नहीं करेंगे, उनको वहाँ फंड्स भी नहीं पहुँचाएंगे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वहाँ मिसयूज़ भी हमको देखने को मिल सकता है। तो क्या दिया मैंने यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। इफ दिस रिलीजियस ग्रुप हैज एसेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट ईजली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्संस ऑफ अदर रिलीजन। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अभी तो हमने बात करा था व्हाट इज सेक्युलर, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, अब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में हम लोग बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट। हमारे यहाँ जितनी भी रिलीजियंस हैं हमारा स्टेट जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट देगा। सो सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, विच केम टू बी नोन एज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के द्वारा हम लोगों ने वर्ड सेक्युलर इंसर्ट किया था एंड बाय देन इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। तब से जो है भारत हमारा एक सेक्युलर देश बन चुका है। सो विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनएक्टेड इन 1976, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एसर्टेड दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। सो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिलीजन और स्टेट के रिलेशनशिप की, तो ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही हमारे देश का कोई भी लॉ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउएवर नाइदर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट्स लॉज डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। नाउ अब हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि केवल एक सेक्युलर स्टेट ही जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है ना। अब एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो
दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करे, है ना, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। अदर देन दिस, अगर एक ही कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स पावर में आ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करने लग जाएं। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, राइट, ऐसा होने से भी हमें रोकना है। देन स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आपके ऊपर थोप भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आपको मुस्लिम धर्म ही मानना पड़ेगा, आपको हिंदू धर्म ही मानना पड़ेगा, है ना, और आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, वो भी आपसे नहीं छीन सकता है। सो द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म की। सो इन इंडिया ऑल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इज मैनिफेस्टेड इक्वली विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इट डज नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थ्रू फाइनेंशियल मीन्स और टैक्सेस देम। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डिबार करता है, आपको रोकता है कि आप धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं। धर्म या रिलीजन के नाम पर आप किसी भी तरह से कोई फाइनेंसेस इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, राइट। वहीं अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात करें, डज नॉट बिलीव इन एन ओपन डिस्प्ले ऑफ रिलीजन विथ एक्सेप्ट फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेकुलरिज्म में क्या होता है कि वो किसी एक ऐसी कोई बात, ऐसा कोई बिलीफ नहीं उनका कि वो किसी रिलीजन के ओपन डिस्प्ले की बात करते हों, एक्सेप्ट कि कहीं कहीं पर हमको उनके पूजा स्थल दिखाई देते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिखाई देते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर था हमारा सेकुलरिज्म पर। आशा है आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ है यूट्यूब पर जो शुरू हुई है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग हमारे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले लेक्चरों में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।